जोहार नमस्कार आपने मां देखा था आईवीएन 24 आसाम नोटिस सच रहा अन्याय के हर खबर से जुड़ा रहे के दिन भर के हर खबर से अपडेट रहे खातिर हमारे यूट्यूब चैनल के लाइक कमेंट शेयर जरूर। लगभग एक बजे मतलब रात ही होगा एक बजे में जो माईबोम थाना का अभी जो ओसी इंचार्ज के पोस्ट में है एसआई माहिदुल जमान वो अपना एरिया डोमिनेशन में घूम रहा था तो उसको रास्ते में एनएच पे नोतुन लंपू के पास जो डीएनएलए माईबोम कैंप का कमांडर है सोमेश बोडो एलियस प्रदाओ वो वहां पे मिला और थोड़ा वो ड्रंक कंडीशन में था तो उसको बोला कि देखिए इतना रात का टाइम है आप कैंप कमांडर है आप कैंप में चले जाइए। तो फिर वो नहीं माना उन दोनों में थोड़ा बहसबाजी हुआ थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ फिर उसके बाद वो वहां से जाकर के जीरो पॉइंट के पास वो चला गया और भी कुछ लड़के थे उसके साथ में तो दोबारा उसी उधर उस एरिया में घूम रहा था तो फिर उसको मिला बोला कि काफी रात हो गया है आप उसमें चले जाइए। तो फिर वो दोनों में फिर बहसबाजी हो गया कि आप क्यों बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं इस तरीके का दोनों में ऑल्टरकेशन हुआ। अब इसके बाद इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या हुआ वो तो पता चलेगा बाद में बट जब ओसी उस हाईवे के रास्ते से कसमईपुर होते हुए क्रॉस कर रहा था उस एरिया को तो हाईवे पे अचानक से कसमईपुर के पास अराउंड 22-23 डीएनएलए का काडर आ करके जो ओसी का गाड़ी है उस पे वो लोग दाव खुकरी लाठी एक एयर गन भी एक मिला वो मिलके उस पे उसके गाड़ी पे व्हीकल पे अटैक किया और इन लोगों पे भी अटैक किया व्हीकल वगैरह थोड़ा डैमेज भी हुआ है तो एकदम मतलब विथ एन इंटेंशन विथ नेगेटिव बैड इंटेंशन उस पे वो लोग अटैक किया। अभी इस अटैक में ये लोग तो ज्यादा लोग नहीं था ये लोग 4 या 5 लोग ही था ओसी और वो लोग 22-23 के आसपास वो लोग नंबर में था तो आउट नंबर्ड हो गया और डेंजरस वेपन से इन लोगों पर अटैक हो रहा था तो इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दे एंड फाइंडिंग नो अदर ऑल्टरनेटिव they had to the police party had to open single shot controlled gunfire in the air wo hawa mein usko gunfire kiya jiske baad gunfire ke baad wo log dar ke sab bhag bhi gaya। unfortunately is gunfire mein kya hua ki ek jo usme cadre tha dnla ka cadre jiska naam babuji thapila at rate alias ali dimasa jo longmalai basti ka hai वो उसको एक बुलेट इंजरी लग गया और वो वहां पे जब उस एरिया में हम लोग देख उस एरिया में गया उसी तो देखा कि उसका वहां पर वो पड़ा हुआ है क्रिटिकली इंजर्ड कंडीशन में उसको इमीडिएटली हम लोग हॉस्पिटल लेके गए बट वो वहां पे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। फिर बाद में जब वहां पे कैंप ओसी दोबारा कैंप में गया डीएनएलए कैंप में चेक करने के लिए कि और किसी का कुछ हुआ या क्या हुआ तो वहां पे पता चला कि दो और काडर है थॉमस मुनीसा और दिबारान जौहरी ये दोनों को भी इंजुरी हुआ बुलेट इंजरी का पैर में लगा है और एक का पीठ में लगा है तो बट वो दोनों का ड्रेसिंग वगैरह हो गया सिंपल है ज्यादा ये क्रिटिकल इंजरी नहीं है दे आर आउट ऑफ डेंजर ये दोनों आदमी। और एक कुछ न्यूज रिपोर्ट में ये शॉर्ट दिमाशा का भी बता रहा था बट शॉर्ट दिमाशा जस्ट उन लोगों के साथ गया है शॉर्ट दिमाशा वॉज नॉट इंजर्ड। तो इस पूरे इंसिडेंट में बहुत दुखद है कि एक व्यक्ति का जान गंवाना पड़ा बट जो भी पुलिस पार्टी वहां पे था वो इन द राइट ऑफ देयर सेल्फ डिफेंस एंड जो भी उनको लॉफुल पावर वेस्ट किया गया है जो उनको फायर आर्म्स या वेपन दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से यूज करने का जो कंडीशन है उस स्टिपुलेटेड कंडीशन में इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दे यूज इट बट स्टिल दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड ट्रेजिक इंसिडेंट एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई डीप सॉरो ओवर दिस इंसिडेंट। ये अभी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं बट जो भी राउंड फायर हुआ था वो सिंगल राउंड सिंगल शॉट से फायर हुआ था तो टोटल कितना है वो अभी हम लोग हिसाब ले रहे हैं वो इंक्वायरी चल रहा है। हाँ ये देखिए ऐसा है कि अब उसमें कमोशन हो रहा है ना
वो आपको अटैक कर रहा है, फायर कर रहा है, कभी कभी कैसे क्या होता है, हम अभी एग्जैक्ट इस पे कुछ आपको कमेंट नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट क्या सिनेरियो था, इसलिए जो हम बोल रहे हैं ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। हवा में फायर करने से भी क्या होता है ना, ऊपर में वो जो प्रोजेक्टाइल है वो वापस भी नीचे भी आ जाता है, ठीक है। अब वो किस एंगल पे बुलेट लगा है, क्या लगा है, वो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन से और पोस्टमार्टम फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा, बट जो भी हमारे पुलिस के लोगों का वहां पे इंटेंशन था, दैट वॉज टू जस्ट डिस्पर्स अवे द क्राउड दैट हैड अटैक्ड देम, इसके अलावा किसी का कोई इंटेंशन था नहीं। अभी आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर तब मिलेगा जब ये किस एंगल पे बुलेट इंजरी हुआ, कहाँ एंट्री वुंड है, कहाँ एग्जिट वुंड है, फॉरेंसिक डिटेल्स के बाद हम उसमें आपको ये चीज बता पाएंगे। अभी तो जैसा जितना हमको जितना खबर है वो चेस्ट में उसका लगा है। जी जी, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में उसको ऊपर में दबाव डाल रहा है, ऐसे मतलब एक एलिगेशन लिया है। नहीं नहीं, इसका उससे कोई मतलब नहीं है, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो अलग चीज है। इसमें देखिए, हम बस इतना बताना चाहेंगे कि DNLA एज एन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर इन अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ असम, और उनका जो भी आई वुड रिक्वेस्ट देम कि जो ग्राउंड रूल्स है हमारा, कि आपका कैंप है, आपका कैंप का कुछ एक नॉर्म्स है, डिसिप्लिन है, उसको आप फॉलो करके रखिए, उसको फॉलो करके चलिए, उसको वायलेट करने से प्रॉब्लम्स होता है। तो मेरा उन लोगों से वही रिक्वेस्ट है। इसके अलावा जो आप जो बता रहे हैं उसका उससे कोई संबंध नहीं है। ये आज का जो इंसिडेंट है वो प्योरली जो OC और जो DNLA कैंप कमांडर है उन लोगों के बीच में एक अल्टरकेशन हुआ, वो फिर एस्केलेट हो गया, वो DNLA का आर्डर आ करके हाईवे, रात में 1 बजे वो कैंप छोड़ करके 22 लोग हाईवे पर क्यों आए, तो वो एक अलग इंसिडेंट है। और ये इंसिडेंट हम ये भी बोल रहे हैं कि अनफॉर्चुनेट है, ट्रेजिक है, बट इसका जो आप बता रहे हैं उससे इसका कोई संबंध नहीं है। जी, इसके ऊपर अभी DC के तरफ से एक मैजिस्टेरियल इंक्वायरी दिया जाएगा, और जो मरने वाला लड़का है उसको एक्स ग्रेशिया भी अमाउंट कुछ गवर्नमेंट के तरफ से कॉम्पनसेशन वो भी डिक्लेयर होगा। सर, इंसिडेंट होने से भी आपके साथ बात हुआ, अभी इस तरह से बताया था उसके जो कमांडर, जी जी, आपके साथ भी बात हुआ था, ऐसा बोल रहा था वो पाइथन। हाँ देखिए, ऐसा जब ये घटना हो रहा था तो उस पर मेरे को भी वो फोन किया, तो हम उसको बोले कि आप लोग आप ऐसा मत करिए, आर्ग्यू जब उसका OC से आर्ग्यू हुआ था तो हम उसको बोले कि आप कैंप वापस चला जाइए, जो ये सब करने का मतलब नहीं है, उतना बात हुआ था बस। बाबा सर कैमरा के सामने जो बात कर रहा था फिर वो रो दिया। कब का, अभी का या पहले का? आज का, आज का। अच्छा, रोक के बुला कीजिए, हम अच्छा सही रास्ता से चलने चाह रहा हूँ, लेकिन हमको ऊपर में दबाव डल रहा है। नहीं ऐसा, हम आपको देखिए बार दोबारा हम आपको बता रहे हैं, उसका उसका जो भी संगठन का आइडियोलॉजी है या वो है डिमांड्स है, उससे इस घटना का कोई संबंध नहीं है, इस चीज को आप समझिए। ये प्योरली कल रात में जो OC का और उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ और फिर उनका कार्डर्स आ करके इस पे एक अटैक किया जो कि एक अनलॉफुल काम है, उसका ये बस एक स्पेसिफिक नतीजा है। बाकी DNLA ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड, उसका जो भी टॉक्स है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है, वो एकदम सेपरेट है और ये इंसिडेंट एकदम सेपरेट है। और तब भी हम DNLA ऑर्गेनाइजेशन को और उनके लीडरशिप को रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हमारा ग्राउंड रूल्स है, जो आपका कैंप में रहने का जो भी नियम है, जो भी एक डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करके आप लोग चलिए। जोहार, नमस्कार, आपने मन देख रहा था IBN 24 आसाम नोटिस, सच्चा रानिया के हर खबर से जुड़ा रहे, हमारा यूट्यूब चैनल के लाइक कमेंट शेयर करें।